ऊबड़ खाबड़ रास्ते से मैंने इस मोटरसाइकिल को निकाला तो इस बात का एकदम प्रमाण मिल गया मुझे कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दो राय नहीं है। थोड़ा मोड़ा चढ़ाई चढ़ा रहे होंगे तो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। 110 की रफ्तार तक गई और एक अच्छी बात है कि इस रफ्तार पर भी ये मोटरसाइकिल स्टेबल रहती है। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। जैसा कि आप बहुत सारे वीडियोस हमारे देख चुके हैं न्यू पल्सर N150 पर, तो अभी क्या कर रहा हूँ, एक फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस लेके आ रहा हूँ जो लगभग 150 किलोमीटर बाद चलाने के बाद मैं लेके आपके सामने आया हूँ। और मैं बताने वाला हूँ कि भैया क्या जो बजाज क्लेम कर रही है ये सब कुछ मोटरसाइकिल ऑफर करती है या नहीं, कितनी कंफर्टेबल है राइडिंग के दौरान, जब आप स्पीड ब्रेकर से निकलते हैं वहाँ कितनी कंफर्टेबल रहती है, सिटी में चलाते हैं वहाँ कितनी कंफर्टेबल रहती है, और जब बात माइलेज की करती है, हालांकि माइलेज टेस्ट कर चुका हूँ फिर भी इसका जिक्र किया जाएगा इस वीडियो में भी, माइलेज कैसा देती है, और जब आप बैठेंगे आपके साथ में कोई पिलियन बैठेगा तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है, तो इन सभी सवालों का जवाब मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ इस मोटरसाइकिल के साथ में। और ये वीडियो मैं चाहता हूँ आप अंत तक देखें, क्योंकि अगर आप 1,17,677 रुपये खर्च करने की सोच रहे हैं एक शोरूम, तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको 100% हेल्प करने वाला है। पहली बार चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज़रूर साझा करें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ खास होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भैया चलिए बात कर लेते हैं इस पल्सर N150 के राइड परफॉर्मेंस की। तो कुछ चीज़ों का जिक्र ज़रूरी है क्योंकि इसका वज़न थोड़ा सा कम हुआ है और वो आपको पता चलने वाला है। और इसकी जो स्पीड है, मतलब टॉप स्पीड की भी बात करूँगा शुरू में ही, क्योंकि अपने वज़न के हिसाब से जो मेरा 90-91 किलोमीटर किलो का वज़न है उसके लिहाज से ये मोटरसाइकिल 110 की रफ्तार तक गई तो वो मुझे सही लगा, मुझे लगा कि ठीक है। और एक अच्छी बात है कि इस रफ्तार पर भी ये मोटरसाइकिल स्टेबल रहती है, ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन इसमें फील हो रहा है। हालांकि पिकअप उस लेवल का आपको नहीं मिलने वाला है 150 सीसी सेगमेंट के लिहाज से, जहां पर आपको माइलेज भी चाहिए मुझे लगता है आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। 14.5 PS का पावर आउटपुट और 13.5 NM का टॉर्क इस मोटरसाइकिल के परफॉर्मेंस के लिहाज से, मतलब एक एवरेज परफॉर्मेंस के लिहाज से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि माइलेज भी डिलीवर करना है। स्टाइलिंग अच्छी हो गई है, हैंडलिंग अच्छी हो गई है, राइड पोजीशन बहुत अच्छा हो गया है। इवन आप एक बार इस पर बैठेंगे 50-60 किलोमीटर चला लेंगे तब आपको जाकर थोड़ा सा पीछे पता चलेगा कि हाँ हल्का फुल्का आपको पता चलेगा सीट की वजह से। हालांकि सीट भी कंफर्टेबल है, बहुत लंबी दूरी की यात्रा इससे करेंगे तो आपको 100% खलने वाला है। स्ट्रेस में आती है, जैसे आप पाँचवें गियर में चला रहे हैं और इस स्पीड पर हैं तो ठीक है चलेगा, लेकिन अगर 100 के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा तनाव छलकने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आपको बढ़िया माइलेज चाहिए, जो कंपनी कहती है 45 से 50 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज हासिल कर लीजिए, मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और आपको 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार के आसपास ही रखना चाहिए इस मोटरसाइकिल को। अगर 60 तक रखेंगे तो और बेहतर आपको माइलेज मिल सकता है, जो कंपनी दावा करती है उससे बेटर। विजिबिलिटी बहुत अच्छी है और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो ये विजिबिलिटी है भी काफ़ी अच्छी है, आंखों में बसी रहती है और ये भी धूप में भी अच्छे से दिखाई दे रहा है। MID पर जो ये डिजिटल डिस्प्ले है ये भी काफ़ी अच्छे से नज़र आ रहा है, तो ये भी अच्छा लगता है जब आप सिटी ट्रैफिक में चल रहे हैं या फिर नॉर्मल हाईवे पर चल रहे हैं, थोड़ा सा कोई बहुत स्लो चल रहा है उसे ओवरटेक करना है तो ये कॉन्फिडेंस देती है, मतलब स्लो रफ्तार पर आपको ये कॉन्फिडेंस देती है आगे बढ़ने के लिए। और ये इस मोटरसाइकिल की खास बात लगी मुझे, व्यू वगैरह अच्छा मिल जाता है इसके, ORBM पर अच्छे से आ जाता है, साइड व्यू मिरर पर अच्छे से व्यू आ जाते हैं। और मुझे इसके लीवर की क्वालिटी भी अच्छी लग रही है, जब आप इसे शिफ्ट करते हैं, ब्रेक करते हैं या क्लच दबाते हैं तो वहाँ पर भी अच्छा फील आता है और ट्यूनिंग वगैरह काफ़ी अच्छी लगती है। ये नहीं कि जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आगे दिए हैं कि जब आप ब्रेक करेंगे फटाक से आगे घुस जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, आराम से आगे की तरफ जाते हैं। और 20mm का ज़्यादा ट्रेबल पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन की वजह से मिलता है और वो आपको फील होने वाला है। मैंने थोड़ा सा ऑफ रोडिंग भी किया और वहाँ पर ऊबड़ खाबड़ रास्ते से मैंने इस मोटरसाइकिल को निकाला तो इस बात का एकदम प्रमाण मिल गया मुझे कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि ये मोटरसाइकिल सच में अच्छी है। और अगर आप पगडंडियों से होकर निकल रहे होंगे, थोड़ा मोड़ा चढ़ाई चढ़ा रहे होंगे तो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। हालाँकि पिलियन के साथ में आपको जरूर पावर की थोड़ी कमी महसूस होगी, पर ओवरऑल आपको दिक्कत नहीं होने वाली है,
क्योंकि जिस सेगमेंट में इस मोटरसाइकिल को इन लोगों ने डिज़ाइन किया, जैसे भैया निकले इनको कुछ भी करना है, बाइक वाले लेन में चलना है और ये मतलब उतारू हैं किसी को मारने के लिए, वहाँ पर ब्रेक करेंगे तो वहाँ पर आपको ब्रेकिंग इस मोटरसाइकिल से अच्छी मिलने वाली है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऐसे लोग जो है जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ट्रैफिक में और मोटरसाइकिल में थोड़ा कॉन्फिडेंस बना रहता है तो चीज़ अच्छी लगती है। और जब ऐसे रास्ते से निकल रहे होंगे जहाँ से ट्रैफिक से होकर गुजरना है तो चीरते हुए निकल जाती है, ये भी कहना गलत नहीं होगा। तो ब्रेकिंग बाइट्स भी अच्छे से आते हैं, जो एवरेज रफ्तार है जिस पर इस मोटरसाइकिल को अच्छे से आप चला सकते हैं, चला तो आप 100 पर भी चला सकते हैं लेकिन थोड़ा सा वहाँ पर ये तनाव फील करती है। अगर आप ऐसे चला रहे होंगे नॉर्मल 60-70 पे तो ये बड़े आराम से बड़े प्यार से चलती है और इसका एग्जॉस्ट जो अंडर वैली एग्जॉस्ट है वो भी आपको फील होने वाला है। लाइट वगैरह तो मैंने टेस्ट नहीं किया कि किस तरीके का लाइट का परफॉर्मेंस है, बट मुझे लगता है कि ठीक है, इस जिस हिसाब से दिया है इन्होंने N160 के सारे फीचर्स इसमें लगभग ले आए हैं तो काफ़ी स्टाइलिंग भी अच्छी है, यूथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी मोटरसाइकिल और अपने फीचर्स से मतलब जिस तरीके से इसको यहाँ पर रखा गया है ये भी लोगों को पसंद आएगी। अब खरीदेगा कौन, तो उसका जिक्र करते हुए यही बोलूँगा कि जो फर्स्ट टाइम बायर होंगे जिनको इस मोटरसाइकिल से अपनी शुरुआत करनी है, बजट बहुत ज़्यादा नहीं है बट उन्हें एक स्पोर्टी मोटरसाइकिल चाहिए जो दिखने में स्पोर्टी हो, कॉलेज लेके जाएँ तो लोग देखें उनके तरफ मुड़ के, मुझे लगता है उनको ये डिसअपॉइंट नहीं करेगी मोटरसाइकिल। ट्रैफिक में, स्लो ट्रैफिक में भी आराम से मतलब रेंगते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेली कम्युनिटी के लिहाज से ये मोटरसाइकिल आपको अच्छी लगेगी। और अब एक जगह मैं प्रवेश कर रहा हूँ, ये अच्छा लगेगा कि होगा, हो सकता है लाइटिंग वगैरह थोड़ा सा आपको समझ में आए। तो ये टनल से जब मैं निकलूँगा ना तो आपको बताऊँगा कि किस तरीके से ये मोटरसाइकिल जो है पूरा जो है अपना साथ मेरा साथ निभाएगी। तो इस टनल के अंदर से अभी प्रगति मैदान वाला टनल है, हालांकि यहाँ पर रोशनी ऑलरेडी रहती है बट फिर भी देखना दिलचस्प होगा कि कैसा रहता है। तो देखिए अब कितना नज़र आ रहा है आपको इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर, ये आपको बताना है मुझे। मुझे तो बढ़िया से दिख रहा है आपको, क्योंकि मेरा गोप्रो क्या दिखा पा रहा है इस पे आपको कमेंट करना है। और ये आराम से मोटरसाइकिल आपको आगे लेके चली जाती है, तो चीज़ें अच्छी हैं। और जो इतने साल की मेहनत है, जो इतने साल का मुझे बोलते हैं तपस्या का फल बोलेंगे इसे, मुझे लगता है इस मोटरसाइकिल में अच्छे से रिफ्लेक्ट हुआ है। तो फर्स्ट राइड इम्प्रेशन में बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि एक नॉर्मल मोटरसाइकिल है जिससे आपके डेली कम्यूटिंग वाले सपने पूरे हो जाएंगे। अगर आप सेल्स में जॉब करते हैं, आपको पर डे 100-150 किलोमीटर चलना है, या आपका ऑफिस गुड़गांव है, दिल्ली में रहते हैं, गाज़ियाबाद में रहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये मोटरसाइकिल आपके लिए ही बनाई गई है। बढ़िया माइलेज भी देगी, एक बढ़िया पिकअप भी देगा, बढ़िया पावर भी मिल जाएगा और एक शानदार माइलेज भी दे देगी, जहाँ पर आपके जेब पर भी भारी नहीं पड़ेगी, अपने स्टाइलिंग से बोर भी नहीं करेगी आपको। जब आप इस पर बैठेंगे या किसी को ऑफर करेंगे ये सीट ना, तो उसको अच्छी लगने वाली है। पिलियन को बिठाया था मैंने, पिलियन ने कोई कंप्लेन नहीं किया, मुझे लगता है पिलियन को पसंद आने वाली है, खास करके जब कोई लड़कियाँ बैठेंगी जो साड़ी वगैरह पहनती हैं तो उनको भी मोटरसाइकिल पसंद आएगी, क्योंकि उनके लिहाज से इसको डिज़ाइन किया गया है। चाहे गाँव के लोग हों, शहर के लोग हों या फिर कॉलेज गोइंग बच्चे हों, उनको भी ये मोटरसाइकिल अच्छी लगने वाली है। तो आपको कैसी लगी ये मोटरसाइकिल और कैसे लगा हमारा फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। इंतज़ार कर रहा हूँ कमेंट बॉक्स में, और फिर मिलेंगे अगर कभी मौका मिलेगा लंबा चलाने का इस मोटरसाइकिल को, तो फिर इसको लेके आएंगे और आपसे बात की जाएगी, पूछा जाएगा कि भैया आपको हमारी ये मोटरसाइकिल कैसी लगी। अब आपकी बारी है कमेंट करने की, इंतज़ार कर रहा हूँ कमेंट बॉक्स में, बताइएगा ज़रूर। और जब मोटरसाइकिल पर बैठे तो हेलमेट ज़रूर पहनते और अपने लेन में चलिएगा, राइड सेफ, और लोगों को सुरक्षित रहने दें और खुद सुरक्षित रहें।